स्लैंग लैंग्वेजेस है, अब्यूजेस है, इतना क्यों लोग उसको सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा गाली होगी या ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड मूवी नहीं होगी, बल्कि असल लाइफ में तो सभी वैसे यूज करते हैं वर्ड्स। अरे पूरी फैमिली है ये, पूरी फैमिली है। और मैं आपको बताऊं, मैं हम लोग भी किसी न किसी फैमिली से आते हैं, किसी न किसी समाज से आते हैं। मतलब हम, मैं गांव से आता हूं, ये साहब नागपुर से आते हैं, ये जो है जगदीशपुर लखनऊ के पास करीब कितने 40 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर दूर जगदीशपुर से आती है। और ये साहब जो है ये एग्रीकल्चरल कॉलेज है ये दिल्ली में, ये उसके अंदर के कैंपस से आते हैं ये। तो ये सब के सब भी आपको बताएंगे और आप भी बताएंगे कि जिस समाज से हम लोग आते हैं, हम चाहें या ना चाहें गालियां हम सुनते ही रहते हैं आसपास, और कुछ ना हो तो किसी का बाप ही उसको गाली दे देता है। इसलिए कहा ना अभी कि आजकल क्या है, गाली एक ऐसी चीज है जो शुद्ध है। मतलब वो एक्सप्रेशन उसका इतना क्लियर होता है कि बात समझ में आ जाती है, वरना समझाते रहो समझ में नहीं आती। सीधा बात नहीं मानते तो फिर कुछ होते जो गाली से बात करते, सीधी बात फिर मतलब तो समझ में आ जाती है। क्या है कि अंग्रेजी में, अंग्रेजी फिल्में देखते हो, जो लोग ये सारी बातें कहते हैं ना, अंग्रेजी फिल्में देखेंगे जैसे बहुत मदरफाकर, क्या है वो, बहुत अच्छा डायलॉग बोला था उसने, है ना। और हम बोलेंगे अरे मदर, तो इस पर बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा है। तो थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन भी है लोगों की बातों में, वो लोगों को बुरा। और ऑल्सो डिपेंड करता है कहाँ की फिल्म है। पुरानी दिल्ली में ऐसी भाषा होती है, ऐसी भाषा में बात करते हैं, शुरुआत गाली से होती है, पहुँचते पहुँचते और एक गाली और एंड में और एक गाली, ऐसी होती है एक सेंटेंस। तो आप उस यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू दैट, नो यू कांट बी समथिंग एल्स। सो लेट्स टॉक अबाउट योर कैरेक्टर्स, देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग। वी स्टार्ट विद, बताइए आपके कैरेक्टर के बारे में। पप्पी जाट वाला है, पुराना दादा हुआ करता था, अभी क्या है बेचारा फंसा हुआ है। तो पूरी फिल्म में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं उसका दिमाग फंसा ही रहता है, फ्रस्ट्रेट होता रहता है, और उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसका दिमाग खराब करती है, और तेजपाल जो इसकी गर्लफ्रेंड पे फिदा है वो तो अलग से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो वो मुझे फ्रस्ट्रेट किए हुए है। तीसरा जो और कोई जिसको लेके आया कि सब शेयर कर लेंगे, बांट लेंगे, ये जो मेरा दुश्मन है फिल्म में जग्गी तिरछा, ये मेरा अलग ही दिमाग का दही किया हुआ है इसने। तो कुल मिला जुला के ये फंसा हुआ आदमी है। अगर आप देखेंगे कि सबसे जो दादा था एक समय का, वो इस समय का इस फिल्म में सबसे बड़ा चुनौतिया दिखेगा आपको, वो जो उनके लैंग्वेज से सब मिलके पप्पी की ही मार रहे हैं, सब पप्पी की मार रहे हैं, माँ बहन कर रहे हैं उसकी सारे के सारे। और कुछ नहीं होता, जो उसके जो सबसे जो लॉयल लोग हैं वो हग्गू और ये अपार शक्ति का नाम क्या है, अपार शक्ति खुराना जो रोल कर रहे हैं, वो ये दोनों जो है ये बहुत ही खप्पे, हग्गू और खप्पे, ये खप्पे जो है दिमाग से एकदम डड है, और हग्गू जो है वो ताला बनाते बनाते किसी की लड़की पर, किसी माँ खड़ी है लेकिन माँ की वो जो बेटी है उसी पर लाइन मारना शुरू कर देता है। तो ये कुछ सारे लोगों ने जो है अलग अलग ढंग से इसको फ्रस्ट्रेट किया हुआ है, तो ये फंसा हुआ है एकदम वल्नरेबल स्टेट में ये आदमी। तो पूरी फिल्म में एक फ्रस्ट्रेशन जो है आपको पप्पी जाट वाला में दिखेगी, उसका इसके प्रति जो इश्क है वो इश्क कहीं से नहीं दिखने वाला है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ज्यादा देखती है। व्हाट अबाउट सोना जो है वही पुरानी दिल्ली में पली बड़ी है और स्कूल वो नहीं गई है, अपनी माँ के साथ रहती है, खुद भी बहुत चालू है और मम्मी जी भी बहुत चालू है, और पसंद करती है पप्पी को। और जो है तेजपाल जी हैं, जो लेके के सर का कैरेक्टर है, वो भी बहुत पटाखे रखती है, कंफ्यूज करती रहती है इनको कि क्या है मेरे मन में, और सेटल होना चाहती है ज़िंदगी में। तो जो पप्पी कह रहा है कि ये कर लेते हैं, बड़े बड़े आदमी बनने के लिए ये करेंगे, तो वो भी उस पूरे गैंग में शामिल है। अनोइंगली और नोइंगली परेशान कर रहे हैं इन दोनों को। परेशान का माना तो ये है, परेशान का माना वो है दो तरफा लगा हुआ है उसका। तो ये है कि वो इश्क तो करता है किसी लड़की से और लड़की उसको घुमा रही है, मतलब वो इतना बुलासा है दिल से, मतलब कि वो सब बात मान लेता लड़की और उसको मतलब बेसिकली चूतिया बनाता है पप्पी और लड़की मिलके। और सेकेंड बात यह है कि ये सब उचक्के जो है किसी फिराक में है कि कुछ करना है, और इसकी जो सुगंध है उसको मिल जाती है। तो अभी वो दो तरफा लगा हुआ, एक तरफ इश्क है, एक तरफ इनके पीछे पीछे पड़ा हुआ है।
तो बस वही है, हालत का मारा है ये अलग तरीके से। ये जो है इसकी अथॉरिटी होने के बावजूद इसकी तो मतलब अपने स्कूटर की जैसी हालत है, किक मारते स्टार्ट ही नहीं हुई। जग्गी जी आप बताइए, इन सबका जीना आपने कैसे दुश्वार किया हुआ मूवी में? मैं तो मतलब पढ़ा लिखा है, डबल एमए की हुई है, नहीं सच में है, और बहुत जल्दी ये जज बनने वाला है, अभी वकील के यहाँ काम करता है, तो सेटिंग वेटिंग करता है हाई कोर्ट में दिल्ली में, और इसको कुछ भी आसपास गलत होता है इसको पसंद है, कुछ भी जी। जो भी गलत है, तो पप्पी जाट वाला एक किरदार है जो एक कुछ प्लानिंग कर रहा है, तो आई अपोज दिस नहीं, मन में मेरा वही था, मन में वही था, इसलिए मैं बोलता कि बता क्या प्लान है तेरा, सो दैट आई शुड नो एंड मतलब मैं कुछ कर पाऊं। जबकि तिरछा इनका नाम है, चूंकि इनकी हर चाल तिरछी होती है, बात सीधी करता है, चाल तिरछी होती है, इसकी वजह से गैंग में थोड़ा वो टेंशन बना गया, टेंशन की एक रहता है कि यार इसको ना मतलब पप्पी जाट वाले का बस चलता इसको गिरा देता कहीं, डंप कर देता कि यार नहीं ये नहीं नहीं चाहिए बंदा, लेकिन मैंने ऐसी कुछ नस पकड़ ली है अभी कि अब मेरे को नहीं हटाया जा सकता उस गैंग से, इस वजह से कई सारे कांड होते हैं उस कहानी को आगे बढ़ते बढ़ते इंटरनल, जबकि सातों लोग जा रहे हैं एक ही काम करने, बट गड़बड़ है, कॉन्फ्लिक्ट है बीच में, जा रहे हैं दिख रहा है कि आपको जा रहे हैं, बट एक चल रही है साथ में कुछ ना कुछ, और फिर मतलब इनसे भी समझना होता है कि भाई ये कहीं ना कहीं अपने के खड़े मिल जाते हैं, तो एक बार मेरा सामना तो मेरे एक ही बार होता है इनसे, तो वहाँ तो इस तरह के बड़े मजेदार करेक्टर हैं सारे के सारे।